आगे बढ़ते हैं आज। अब देखिए, जो कार्बोरेटर होता है वो, उसमें अगर मान लीजिए कि मल्टी सिलेंडर इंजन में हम कार्बोरेटर को लगाना चाहें तो ये कठिन बात हो जाती है, और उसमें जो वर्किंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो अब उसके लिए करते ये हैं कि कार्बोरेटर की जगह जो प्रिफर किया जाता है ज़्यादातर, वो इंजेक्शन सिस्टम, इंजेक्टर हम यहाँ पर प्रिफर करते हैं पेट्रोल इंजन में। होता ये है कि छोटे इंजन के लिए तो कार्बोरेटर ठीक रहता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन जब बड़ा इंजन पेट्रोल का आ जाता है तो उस केस में जो इंजेक्टर होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें कि जो प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में होता है इसकी, तो ये जो है अगर बड़े के लिए बनाया जाता है, बड़े पेट्रोल इंजन पर के लिए, इंजेक्टर के लिए बनाया जाता है, तो इंजेक्टर में बहुत ज़्यादा उसकी प्रिसिशन होती है। और इसमें जो है इंजेक्टर के केस में अगर कार्बोरेटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 10 से 20% पावर ज़्यादा ही होती है, और इसमें किसी तरीके की कोई चोक की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप देखते थे पेट्रोल इंजन में चोक की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई चोक नहीं यहाँ पर ज़रूरत होगी। और जो क्वालिटी होती है इसमें बहुत अच्छी होती है पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब इसमें जो, चूंकि अब इंजेक्टर यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो इंजेक्टर तो ऑटोमेटिकली बहुत एटोमाइज कर देता है बहुत तेज़ी से। अभी हम इंजेक्टर के बारे में आगे के लेक्चर में हम बात भी करेंगे। और जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं उनमें तो इंजेक्टर ही लगाया जाता है, कार्बोरेटर नहीं लगाया जाता। और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती, जबकि कार्बोरेटर में जो है कार्बोरेटर प्रॉब्लम आया करती है आए दिन, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो होती है उससे बाधित होती रहती है। तो हम उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है पेट्रोल इंजन में वो किस तरीके से होता है। तो जो मल्टी सिलेंडर इंजन्स हैं, वही बताया कि रिसेंटली इन मल्टी सिलेंडर इंजन्स द पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम इज एडॉप्टेड ड्यू टू सम ड्रॉबैक ऑफ कार्बोरेटर। हमने बताया कि क्या क्या चीज़, अभी हमने थोड़ा सा कंपेयर करके भी आपको बता दिया, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा भी है। अब वो कहता क्या है, अनेबल टू सप्लाई यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन ईच सिलेंडर। अगर मल्टी सिलेंडर है तो उस सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर में जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी जो है एयर फ्यूल मिक्सचर की रहे, ये जो है ये कार्बोरेटर के केस में संभव नहीं है, आसान नहीं होता है। मतलब हमेशा के लिए अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने अचीव भी की, तो ये लॉन्ग रन के लिए भी जो है ये चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब यहाँ पर चोक या बेंचुरी जो होता है वो भी प्रॉब्लम करता है, उससे अनइकोनॉमिकल फ्लो होता है एयर का, तो उस केस में कभी एयर बढ़ भी जाती है कभी घट जाती है, तो उससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी भी कम हो जाती है कभी कभी, फ्यूल इकोनॉमी के बारे में उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि कई सिलेंडर हैं, मल्टी सिलेंडर हैं बहुत सारे, तो हर एक सिलेंडर के ऊपर अगर आप कार्बोरेटर लगाएं, ये बहुत आसान नहीं बात होती है, बहुत मतलब कठिन चीज़ होती है कि हर हर एक सिलेंडर पर जो है कार्बोरेटर माउंट करना। तो उसके लिए इंजेक्टर बहुत ईजिली अब हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, और इंजेक्टर का जो है कंप्रेशन रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। और जो रिस्पॉन्स होता है वो भी उसका बहुत तेज़ होता है ना, बहुत ही आसानी से जो है वो वर्क कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंजेक्टर के केस में उसके प्लस पॉइंट हैं। तो इंजेक्टर, अब पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम में जो है दो तरीके से हम पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं, हम अभी फिगर भी दिखाएंगे सबकी। पहले आप देखिए इसमें क्या है, एक डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। तो जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है उस केस में क्या होता है, पेट्रोल को डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर हम इंजेक्ट करा देते हैं, तो ये डायरेक्ट में आ गया। और इनडायरेक्ट में दो तरीके से कराते हैं, एक तो हम इनलेट पोर्ट पर कराते हैं और दूसरा इनलेट मैनिफोल्ड पर कराते हैं, है ना। ये जो बाकी बातें जो हमने लिखी हैं, ये तो हम अभी आपको बताएंगे, उसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो पहले आप इसको, हम इसको पहले फिगर दिखा दें कि जो डायरेक्ट इंजेक्शन हो रहा है, कि डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर जो इंजेक्ट किया जा रहा है उसमें इंजेक्टर कैसे लगा हुआ है, कैसे वो वर्क कर रहा है, वो आप फिगर में देख पाएंगे। दूसरी बात, जब इनडायरेक्ट में दोनों चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो जो इनलेट पोर्ट पर कैसे इंजेक्शन हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से इंजेक्टर लगाया गया है, तो
और दूसरा जो इनलेट मैनिफोल्ड है वहाँ पर किस तरीके से इंजेक्शन हो रहा है, वहाँ पर कैसे इंजेक्टर लगाया गया है। तो पहले फिगर देखते हैं, उसके बाद फिर उसको हम बात करते हैं। अब इस केस में आप तीन अलग अलग फिगर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम, ये डायरेक्ट वाला है। ज़रा देखिए डायरेक्ट वाले में, ये देखिए सिलेंडर है यहाँ पर, ये है ना, यहाँ पर ये सब सिलेंडर के लिए आप देख रहे हैं। तो इसमें देखिए कूलिंग के लिए ये जो ये यहाँ पर जो है ये स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो यहाँ पर ये कूलिंग वाटर जैकेट बनाया गया है। देखिए वाटर हल्का हल्का दिख भी रहा है इसमें, वाटर है ना। और देखिए डायरेक्ट जो है सिलेंडर के अंदर देखिए ये इंजेक्टर लगा हुआ है ये यहाँ पर, और डायरेक्ट ये पेट्रोल को इंजेक्ट कर रहा है ये यहाँ, ये देखिए एटमाइज करके यहाँ, तो ये डायरेक्ट इंजेक्टर यहाँ पर लगा करके इस तरीके से करा देते हैं। अच्छा ये जब ये तो पहला वाला हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, इनडायरेक्ट में हमने दो बताए थे आपको, एक इनलेट पोर्ट वाला बताया था, एक इनलेट मैनिफोल्ड वाला बताया था। तो इनलेट पोर्ट में देखिए किस तरीके से, देखिए इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, देखिए ये सब जो है कूलिंग जैकेट्स प्रोवाइड की गई हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो है देखिए कूलिंग जैकेट्स जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर यूज़ की जा रही है, यहाँ पर हमको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है कूलिंग के लिए, है ना। और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है कूलिंग के लिए, ये तो हर जगह देखिए कॉमन है, ये भी कॉमन ही है करीब करीब लगभग। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, देखिए यहाँ पर ये बढ़ गया, तो यहाँ पर इस पर कूलिंग के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है इस वाले में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो है ये सिलेंडर है और इंजेक्टर जो है, देखिए ये पोर्ट वाले केस में तो देखिए पहले लगाया गया यहाँ पर, इस जगह लगाया गया इस जगह पर, और जो इनलेट मैनिफोल्ड वाला है वो देखिए वो यहाँ लगाया गया है इधर पहले, है ना, ये इस साइड से लगाया गया, यहाँ से इंजेक्ट करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये पूरी तरीके से एटमाइज और मिक्स होकर के फिर अंदर की तरफ जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गई होगी बात कि कैसे मैनिफोल्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ पर मैनिफोल्ड होता है और किस तरीके से मिक्सिंग होती है इसमें। तो ये तीनों हमने बताया आपको कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों में, इनडायरेक्ट में भी दो तरीके के। तो इस तरीके से आपने फिगर में देखा कि कैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में, फिर आप देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर डायरेक्ट पेट्रोल को जो है सिलेंडर के अंदर हम फीड कर रहे थे। तो जो पेट्रोल इंजेक्टर्स आर पोजिशनड इन द सिलेंडर हेड सो दैट द फ्यूल इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू ईच कम्बशन चैम्बर। तो अब जितने भी कम्बशन चैम्बर होंगे, है ना, क्योंकि मल्टी सिलेंडर में हम अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टी सिलेंडर में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी कम्बशन चैम्बर होंगे उसमें सब डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लिया जाए। तो कह रहा है इंजेक्शन इज टाइम टू अकर अबाउट 60 डिग्री आफ्टर TDC, टॉप डेड सेंटर के बारे में यहाँ पर आ रहा है, ऑन दी इंडक्शन स्ट्रोक, TDC के बारे में ये है। तो 60 डिग्री TDC के बाद, है ना, वो जो है ये इस तरीके से इंजेक्शन टाइम, उसका टाइम सेट होता है, उसी समय इंजेक्ट करता है। फिर क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनरिच्ड फ्यूल फॉर एक्सीलरेशन इज इनहेरेंटली अचीव्ड। तो अगर एक्सीलरेशन के लिए आपको चाहिए या एब्रप्ट तुरंत चाहिए आपको रिच मिक्सचर, जो पिछले केस में कार्बोरेटर के केस में पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर आसानी से हो सकता है। बस केवल एक प्रॉब्लम ये होती है, जो इंजेक्टर होते हैं बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ये वर्क करते हैं, बहुत ही इनको जो जब ये ऑपरेट होंगे तो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ऑपरेट होंगे, तो उस केस में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, और बाकी इसमें और कहीं कोई समस्या नहीं है इस तरीके से। इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, जो पेट्रोल इंजेक्शन जो होता है वो इनलेट पोर्ट और इनलेट मैनिफोल्ड में, आपने फिगर में देखा पीछे। तो जो इनलेट पोर्ट था उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, इनलेट पोर्ट में जो होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग पेट्रोल और एयर की बहुत आसानी से हो जाती है, और क्योंकि इसमें जो होता है ये मिक्सिंग के लिए एक अच्छा समय उसको मिल जाता है, पहले से ही हो जाता है थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो इसमें एटमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एटमाइजेशन इसके लिए चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में जो है मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी शुरू से,
और मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो फिर जो बर्निंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात आई। दूसरे तरीके का जो आता है वो इनलेट मैनिफोल्ड वाला आता है, इसमें भी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे थे ये भी काफ़ी पहले से ही जो है ये इंजेक्ट कर दिया जाता है मैनिफोल्ड में, और इसकी जो इंजन ब्लॉक होता है इसमें सिंपल सा होता है, वही कह रहा है यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ एयर एंड पेट्रोल ये होती है, और अब सिंपल डिज़ाइन होता है इंजन ब्लॉक का, जहाँ पर कूलिंग वाटर जैकेट बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। तो इससे जो है कूलिंग आसानी से, और भी कूलिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि जल्दी से जो वॉल्व है वो हीट ना हो, वॉल्व की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अच्छा माना जाता है। बस ये एक प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें ये आती है कि जब बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं तो उस केस में एक जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता है अलग अलग सिलेंडर के बीच में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी बातें आपको आ गई, तो अब आपको समझ में ये बात आ गई होगी अच्छे से कि किस तरीके से कैसे ये वर्क कर रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे आप पिछले वाले केस में देख रहे थे जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम था उसमें जो इंजेक्टर्स थे उनको हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम अगर देखें कि इनडायरेक्ट वाले सिस्टम में, तो इनडायरेक्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट वाले सिस्टम में इस तरीके से ये है कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली लो प्रेशर पर भी जो है ये डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब 2 से 6 बार के आसपास की ज़रूरत पड़ती है, इतने में ही जो है ये डिस्चार्ज कर सकते हैं, और इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है इस प्रेशर पर। इनडायरेक्ट वाले में अगर देखें तो एक चीज़ और आपने देखी होगी खास कि इसमें जो जो इंजेक्टर्स होते हैं वो आप देख रहे थे कि जो कंबशन होता है जहाँ पर उससे दूर होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके की, अगर मान लीजिए कभी भी फायर की कॉम्प्लेक्सिटी आई या इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होती, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हो गए, है ना। तो ये जो है लो डिस्चार्ज प्रेशर पर जो है पहले ही हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया इसे, तो एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सेफ्टी वाली भी जो हो गई वो भी रिलीव, वो अब यहाँ पर दूर हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिसमें हम इंजेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, इस पर कार्बोरेटर की बहुत सारी कमियाँ दूर हो गई। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो इंजन के जो ऑपरेटिंग वेरिएबल्स हैं इसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं इसके थ्रू, और उसके हिसाब से जो है हम इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करा सकते हैं, तो फ्यूल इफ़िशेंसी भी बढ़ जाती है, और जो डिस्चार्ज या एटमाइजेशन जो होता है फ्यूल का वो भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, और मीटरिंग कंट्रोल भी जो है बहुत आसानी से इसमें हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे थे कि जो इंजेक्शन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा बड़े इंजन्स के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है ये यूज़फुल है। छोटे इंजन में जो है यूज़ होता है जो वो आप देखते हैं कार्बोरेटर यूज़ होता है। इस पे एक बात समझने वाली और भी है कि अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से प्रिसाइज अगर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है इंजन के अंदर, जब सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल इंजेक्ट होता है, तो उस केस में जो एग्जॉस्ट होता है उसमें अनबर्न फ्यूल भी आता है, और उस केस में जो नॉक्स एमिशन होता है, कार्बन सूट फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वो कंप्लीट इन पूरा पूरी बर्निंग नहीं हो पाती, तो जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके जो एग्जॉस्ट इसका निकलता है। तो उस केस में जो बड़े इंजन होते हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, तो क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, टाइम जो टाइम रिस्पॉन्स टाइम है इसका भी वो भी बहुत कम होता है कि आसानी से तुरंत जैसे ही आप चाहोगे तुरंत जो है आपको रिचर फ्यूल मिलने लग जाएगा, जो रिचर मिक्सचर है वो मिलने लग जाएगा, और आपको जो है अगर गाड़ी एक्सीलेट करानी है, इसीलिए जो है देखते हैं ज़्यादातर ये जो रेसिंग कार्स होती हैं उनमें लगाया जाता है। कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लिमिटेशंस तो सभी चीज़ों की होती है, तो कुछ लिमिटेशंस इसमें हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कहीं ना कहीं जरूर कभी कभार प्रॉब्लम आती है, और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब केयर करनी पड़ती है और देखना पड़ता है, और ये थोड़ा सा जो है बल्की होते हैं, हैवी होते हैं। अब चूंकि ये बड़े इंजन के लिए लगाए जाते हैं तो वहाँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर कार्बोरेटर सप्लाई सिस्टम के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो ये होते हैं थोड़ा सा बल्की होते हैं, हैवियर होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ें कुछ इसकी प्रॉब्लम भी हैं। नॉइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा देखा जाए तो नॉइज़ भी इसमें कुछ ज़्यादा होती है। अगर हम नॉइज़ को भी सोचें तो नॉइज़ इसमें कुछ ज़्यादा होती है कार्बोरेटर के अपेक्षा। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में भी अगर आप जानना चाहें तो अपनी बुक में आप देखिएगा तो मिल जाएंगी। वैसे सारी बातें हमने करीब करीब बता दी हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको पता ना हो। तो सारी बातें आपको समझ में भी आ गई हैं, कितने टाइप के होते हैं ये सब भी हमने बता दिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में।